वो फॉलो किया गया है। इसके अलावा काउंटिंग स्टाफ की बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग हुई है ये इंश्योर करने के लिए कि आज काउंटिंग प्रोसेस जो है वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और एफिशिएंसी के साथ वो उसको समय पे कंप्लीट कर सके। और इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखा है कि ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो किसी भी तरीके से उस पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां जो है जीत का जश्न मनाती हैं और ये हुल्लड़बाजी होती है उसको मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के किस तरह के प्रबंध किए गए हैं? सुरक्षा के प्रबंध बहुत सारी मीटिंग्स हम पहले भी ले चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं मौके पर उसका इम्प्लीमेंटेशन है। वेन्यू के आसपास और जितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहाँ पर किसी भी तरह का प्रोसेशन इज़ नॉट परमिटेड। जो भी प्रोसेशन करेगा वो विदाउट परमिशन नहीं करेंगे। ये कुछ बातें हैं जो हमने पहले उस पर फैसला लिया और उस पर अमल हो रहा है। तो जिस तरह से ये चुनाव की जो प्रक्रिया जो है जो रिजल्ट की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? जैसे कि मैंने पहले कहा हमें लगता है 6:30-7 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, बट क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है और कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स को सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है, तो अगर समय लगा तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है।